जमुई विधानसभा क्षेत्र के टिहिया गांव में अपने पुत्र रालोसपा प्रत्याशी अजय प्रताप के चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए जमुई के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद और डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह पुत्र अजय प्रताप के चुनाव प्रचार में जमुई के खैरा प्रखंड के टिहिया गांव पहुंचे थे। यहां भाषण एवं लोगों से मिलने जुलने के पश्चात लौटते वक्त गांव में ही मंदिर में प्रणाम करने गए। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर गए। नरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर उनके दोनों पुत्र सहित बड़ी संख्या में समर्थक जमुई के सदर अस्पताल पहुंचे। लोगों की काफ़ी भीड़ सदर अस्पताल में उमड़ गई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के पुत्र अजय प्रताप जमुई से रालोसपा के उम्मीदवार हैं, जबकि चकाई विधानसभा क्षेत्र से सुमित कुमार सिंह चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उधर जमुई में वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शौच के लिए गांव का सड़क क्रॉस कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुई। पंखा छाप के प्रचार गाड़ी से ठोकर लगने की वजह से यह घटना हुई है। इस तरह का आरोप पीड़ित के परिजनों ने लगाया। ये हादसा इसे रोड क्रॉस ही कर रहा था, मेरा मौसा जी है। हाँ। हम वहीं पर मौजूद थे। हाँ। और हम अगले चौक पर खड़े थे, इस पार से उधर से टॉयलेट करके आ रहे थे। हाँ। और एक गाछ है वहीं पर रोड के किनारे साइड था, पंखा छाप कर रेडी जा रहा था। अच्छा। अब ये पता नहीं लगा किस गाड़ी से हुआ। अच्छा। मैं जब तक निकल गया सभी गाड़ी, आदमी मरीज को देखेगा कि पहले गाड़ी के पीछे चलेगा। अच्छा, आप लोग पहले गए तो फिर क्या वो लोग फरार निकल गया? किसका गाड़ी था ये? पंखा छाप का था। अच्छा, इसमें आप लोग देखे थे क्या उसी गाड़ी पे? उसी टाइम मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार साहब है।